हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने में एस के सर। सर, आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए? आज की वीडियो क्लास में मैं लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट इस साल वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2024 का हिंदी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन लोग को बड़ा कंफ्यूजन है कि सर फाइनल एग्ज़ाम में मीन्स वेस्ट बंगाल का क्लास 12 में HS के एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम दें मीन्स लेटर कौन कौन सा प्रिपरेशन करें। मेरा क्लास जो है कोलकाता का भी क्लास में रहा, मैं SKS इंस्टीट्यूट क्लास करवाता हूँ। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हर एक स्टूडेंट को मेरा वीडियो जरूर शेयर। स्क्रीन पे जो है पत्र लेखन लेटर राइटिंग जो है आपके सामने में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं रीड कर रहा हूँ और रीड करने के बाद में मैं क्या करूँगा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। फटाफट जो है कॉपी में जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और हर क्वेश्चन में जो डाउट है अच्छा से मेरे वीडियो को एंड तक सुनिए। हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि आखिर में इस क्वेश्चन में लिखना क्या है एग्ज़ाम में। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, बढ़ती आबादी जो भारत के लिए अभिशाप है या वरदान, इसके महत्व को दर्शाते हुए अपने एक छोटे भाई को पत्र लिखें। ठीक है, यहाँ छोटा भाई नहीं दिया है, छोटा भाई बड़ा भाई पत्र लिखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माई डियर क्या है, जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए, विषय क्या है, कोलकाता महानगर में जल जमाओ या जल जमाओ मीन्स कलकत्ता महानगर में जब भी बारिश होती है तो क्या होता है सड़क वगैरह में आप देखते हैं क्या होता है जल वगैरह जो है जम जाता है। तो इसमें जो है कोलकाता के महानगर अधिकारी को जो है एक पत्र लिखना है। ठीक है, एक ऑफिशियल लेटर है माय डियर। तीन नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, उनको यह बताइए मूल्य वृद्धि के कारण मतलब दिन प्रतिदिन देख रहे हैं महंगाई बढ़ते जा रहा है तो अपने मित्र को एक पत्र लिखिए और उसका टोटल एक्सप्लेन कीजिए। चार नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या है, केंद्रीय सरकार को पत्र लिखें, ट्रेन में महिला आरक्षित सायिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए मीन्स केंद्रीय सरकार को एक लेटर लिखिए कि महिला लोग का लोग जो है आरक्षित बढ़ाने के लिए उनका ट्रेन का जो सीट का जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए। पांच नंबर क्वेश्चन आपके सामने में देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, उच्च माध्यमिक क्या है, उच्च माध्यमिक के पश्चात अपनी बहन को परंपराओं अलग रोजगार मूलक शिक्षा पर सलाह दीजिए। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है माय डियर, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा, ये एक टॉपिक है, इस विषय पर अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए मीन्स अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है, उसको यह बताना है एक्सप्लेन करना है कि आज तुम विद्यार्थी हो कल एक भारत के नागरिक होगे, इसके ऊपर एक टॉपिक मतलब आपको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है भारत के लिए। सेवन, इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग का बच्चों पर दुष्प्रभाव को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है माय डियर, स्वच्छता अभियान के बढ़ते चरण पर अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए मीन्स अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है, उनको यह बताना है कि स्वच्छता अभियान कितना, खेल मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, खेल का मीन्स स्पोर्ट्स मंत्री जो है उनको क्या करना है एक लेटर लिखना है एप्लीकेशन, क्या विद्यालयों में खेलों का अनिवार्यता पर मीन्स स्कूल कॉलेजों में क्या करें खेल जो है कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, मीन्स स्कूल कॉलेज में खेल को बढ़ावा दिया जाए। दस नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या दिया हुआ है, स्वस्थ जीवन के लिए योग अनिवार्य है कि नहीं मीन्स हम लोग का हेल्थ के लिए जो है योग जो सुबह सुबह हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं क्या वो जरूरी है कि नहीं, एक्सरसाइज जरूरी है कि नहीं, इस विषय पर अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए मीन्स एडवाइस दीजिए अपने छोटे भाई को कि डेली सुबह उठे वो क्या करें एक्सरसाइज वगैरह करें। 11 नंबर देख सकते हैं माय डियर, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए और किस टॉपिक पर आपको लिखना है, शिक्षा संस्थाओं में बढ़ती अनुशासनहीनता पर मीन्स दिन प्रतिदिन देखोगे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है आपका जो है डिसिप्लिन को ब्रेक किया जा रहा है, इस टॉपिक पे आपको क्या करना है शिक्षा मंत्री को एक लेटर लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, वैश्विक महामारी मीन्स वर्ल्ड वाइड के तौर पे कोरोना के बाद
कोरोना खत्म तो हो गया है, लेकिन उसके बाद लोगों के साथ साथ आज का नए युवक को क्या सोचना चाहिए? कोरोना खत्म हो गया, आज का जो यूथ है उसको क्या सोचना चाहिए भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए? इस विषय पर अपने छोटे भाई या बहन को एक पत्र लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए, ठीक है, बेसिक शिक्षा पर। मीन्स अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो बेसिक शिक्षा पर, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी अगर पढ़े लिखे रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने बच्चों को क्या करेंगे, एक अच्छा एजुकेट कर पाएंगे। कहीं भी बैंक वैंक या अपना पर्सनल लाइफ में कुछ भी एजुकेशन का काम कर पाएंगे, किसी का डिपेंड नहीं रहेंगे किसी के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है माय डियर, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखना है। किसको लिखना है? सेंट्रल मिनिस्टर को एक पत्र लिखना है। बेसिक नागरिक को विमान के में कुछ खास सुविधा प्रदान करने के लिए, जो लोग बेसिक नागरिक लोग हैं उनको जो है एक खास सुविधा, मतलब स्पेशल सर्विस ऑफर किया जाए, इसके लिए आपको सेंट्रल मिनिस्टर को क्या करना है, मीन्स केंद्रीय मंत्री को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये दिए हुए 14 क्वेश्चन को कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद क्या कीजिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसको किताब में क्या कीजिए, उसको फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड आउट करने के बाद में उसको स्टडी कीजिए, थॉरली रीड कीजिए, इसको ओन वर्ड में बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और सारे स्टूडेंट को मेरा इस वीडियो को फैला दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए।